हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है एसएससी जी के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग चैप्टर जो कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स हमारा जो सब्जेक्ट वो चल रहा है, और जो हमारा चैप्टर है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2004 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम हुए हैं सभी में आए हुए आपके सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं। तो उनको जरूर ध्यान से देखिएगा। इससे देखो, प्रीवियस ईयर करने से क्या होगा कि आपको एक पैटर्न मालूम पड़ेगा कि आखिर हमारे एग्जाम में किस तरीके से पैटर्न में बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव के तहत हमको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पैटर्न में बदलाव हो रहा है तो बदलाव किस तरीके से हो रहा है, और उस हिसाब से हमें आपको कितना चेंज करना पड़ेगा, तो किस हिसाब से हमको तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बारे में हम लेकर यहाँ पे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले की क्लास हमारी दो क्लासों में कर लिया है, आप अपने आप से भी कर सकते हो, पर जैसे बहुत लोगों के पास बुक्स वगैरह नहीं होती हैं तो मैंने सोचा कि एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को मैं अपने एक वीडियो सीरीज बना के डाल दूँ ताकि आप लोग उसको देख सको कि हाँ प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आया है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 2011 में क्वेश्चन आया है, जो कि सिंपल फार्मूले पर क्वेश्चन है, जहाँ आप पढ़िए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या दे रखा है कि सॉइल हैज़ बल्क डेंसिटी, मतलब गामा बी आपको दे रखा है कितना, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपको दे रखा है, एंड वाटर कंटेंट दे रखा है उस केस में 10%। तो कह रहा है डाई डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या होगा, आपको पता है गामा डी और गामा बी में रिलेशन होता है, तो गामा डी इक्वल टू होता है गामा बी डिवाइड बाई 1+KW, आपने पढ़ा होगा। तो 22 डिवाइड बाई 1+0.10, मतलब 1.1 हो जाएगा, ये लगभग 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कुछ नहीं तो क्वेश्चन में आसानी से कर सकते थे, बस आपको क्या होना पता होना चाहिए था, यहाँ पे आपको गामा डी और गामा बी बाई 1+W, ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। तो याद रखना ये रिलेशन, बहुत से एग्जामों में आ जाता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, जो कि 2011 में आया हुआ आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही आएगा, बस पैटर्न किस तरीके से बदल रहा है। आप अगर हमारे पास 2004 से क्वेश्चन देख रहे हो सॉइल मैकेनिक्स में किस तरीके से टॉपिक चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से बदलाव हो रहा है, उस हिसाब से आपको तैयारी अपनी जारी करनी होगी। जैसे बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, यार हमसे कुछ नहीं हो रहा है, भाई देखो अब आप अगर 1-2 साल से 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को चेंज करो, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव लाओ कि बदलाव क्या होना चाहिए। आप उस बदलाव कैसे ला पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर पे काम करोगे, समझ पाओगे कि आखिर एग्ज़ाम का पैटर्न अब क्या रहा है, पहले क्या रहा था अब क्या रहता है। तो इस तरीके से घबराओ नहीं, सिलेक्शन सबका होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिट वेट ऑफ ए कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाई, आपका यूनिट वेट क्या होता है, जो आपकी कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल आपकी होती हैं उनके लिए यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जो गामा बल्क होता है वो होता है जी ओमेगा डब्लू और 1+W डिवाइड बाई के 1+ E, आपने ये पढ़ा होगा। पर अगर हम इस जी को अंदर भेज देते हैं तो हो जाता है गामा डब्लू जी प्लस डब्लू इंटू जी एस डिवाइड 1+ E होता है। ठीक है, अगर हम कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल के लिए बात करते हैं तो ई इंटू एस आर बराबर होता है आपका डब्लू इंटू जी एस। ठीक है, तो अगर कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सैचुरेशन आपका होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है या 100% हो जाता है, तो मान लो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ई इक्वल टू हो जाता है डब्लू इंटू जी इंटू एस। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले जहाँ पे आपका डब्लू इंटू जी एस है वहाँ पे हम रख देंगे ई रख देंगे, तो क्या निकल के आएगा, हो जाएगा ओमेगा डब्लू जी प्लस के ई डिवाइड बाई 1+ E। ये किस क्या होता है, ये आपका यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट ही आपका होता है पर कम्प्लीटली सैचुरेट सॉइल के केस में होता है। कब होता है, जब आपकी सॉइल पूरी तरीके से कम्प्लीटली सैचुरेट हो, तो उस केस में जो आपका यूनिट वेट होता है वो ओमेगा डब्लू इंटू जे प्लस ई अपॉन 1+ E होता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन देखो, ओमेगा डब्लू जे प्लस के ई अपॉन 1+ E, ऑप्शन पहला ही आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर, मतलब ऑप्शन विकल्प ए जो आपका होगा उत्तर बहुमूल्य होगा। तो आपने देखा यूनिट वेट आपका ये हो गया, फिर उसके बाद यूनिट वेट के हिसाब से आपने निकाल लिया कि कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल के लिए किस तरीके से होता है, आपने ये भी निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सॉइल हैज़ एन एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ 0.2 mm, इट इज प्रीडोमिनेंटली, ये किस प्रकार का पार्टिकल होगा, 0.2 mm आपका किस प्रकार का पार्टिकल होगा, तो 0.2 mm आपका किस प्रकार का पार्टिकल होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो ग्रेवल होगा, सैंड होगा, सिल्ट हो के लिए होगा। तो इसको लिए आपको एक टेबल होती है, उसको याद रखना, मोटा मोटा याद रखना कि अगर ग्रेटर देन कितना होगा, अगर आपके पास ग्रेटर देन 300 mm के आसपास होगा तो उसको हम लोग कहेंगे बोल्डर, और 300 से लेकर के 80 mm के बीच में होगा तो उसे क्या कहेंगे, कोबल। ग्रेटर देन 300 क्या होगा, बोल्डर, 300 से 80 mm आपका कोबल्स होगा, 80 से लेकर के 4.75 mm अब तक क्या होगा,
वो आपका होगा ग्रेवल। 80 से 4.75 में मतलब क्या होगा आपका, ग्रेवल होगा। ठीक है, अब ये जो 4.75 से नीचे होता है, 4.75 एम एम से लेकर के 75 माइक्रॉन तक आपका जो होता है सैंड होते होता है, और 0.2 mm पूछा गया है। ठीक है, अगर हम 75 माइक्रॉन को लिखेंगे तो जाएगा 0.075 mm, और 0.075 mm से बड़ा आपका 0.2 है, और 4.75 से छोटा है, मतलब इन्हीं रेंज में आएगा, मतलब क्या होगा ये सैंड में आएगा, सैंड में आएगा, सैंड में तो आएगा। पर अगर आपसे पूछा होता कोर, अगर यही देखो मैंने अगर यहाँ पे कोर सैंड, फाइन सैंड, मीडियम सैंड इस तरीके दिया होता तो इसको हम और अलग करते, क्या करते कि 4.75 से लेकर के 2 mm तक का तो आपका होता है कोर सैंड, ध्यान रखना 2 mm से लेकर के 0.425 mm तक आपका जो होता है वो आपका होता है मीडियम सैंड, और 0.425 mm से लेकर के 0.075 mm तक, या इसे कहीं कहीं 75 माइक्रॉन लिखा रहा होता है वहाँ तक आपका होता है फाइन सैंड होता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि सैंड को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया। अगर आपसे पूछे 75 माइक्रॉन से भी कम और 2 माइक्रॉन से एबव आपका क्या होता है, आपका क्ले होता है, और लेस देन ये आपका सिल्ट होता है, और लेस देन 2 माइक्रॉन का जो होता है आपका क्या होता है, क्ले आपका होता है। ठीक भाई, इसको ध्यान रखना। तो ये पूरी वैल्यू को याद रखना है, हमेशा टिप से रखना, ताकि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी का। अब रिलेटिव डेंसिटी कहो या डेंसिटी इंडेक्स कहो, बात एक ही होती है। तो ये आपकी जो है डेंसिटी इंडेक्स आपका जो होता है, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इसका यूज किया जाता है कि उनकी कॉम्पैक्टनेस के बारे में जानकारी मिल सके। तो रिलेटिव डेंसिटी आप कॉम्पैक्ट डेंस सैंड के लिए, ये वैल्यू आपको याद रखना है कि कॉम्पैक्ट डेंस सैंड के केस में जो रिलेटिव डेंसिटी होती है आपकी 0.95 होती है। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, ये आपकी जो डेंसिटी इंडेक्स को हम लोग नोट करते हैं आईडी परसेंटेज से, डेंसिटी आपको ये होगा, ये होता है आपका ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई के ई मैक्सिमम माइनस के ई मिनिमम, ये आपका होता है डेंसिटी इंडेक्स इंटू 100। तो डेंसिटी इंडेक्स ये बताता है कि जो हमारा कॉम्पैक्टनेस है सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो गैपिंग है वो कितनी है, वो मतलब पैकिंग बिटवीन, उनकी जो पैकिंग है वो अच्छी तरीके से है कि नहीं है, वो आपको डेंसिटी इंडेक्स के बारे में बताता है। जहाँ पे ई मैक्स क्या है, ई मैक्स आपकी मैक्सिमम वाइड रेशियो है किस केस में, अच्छा वाइड मैक्सिमम किस केस में होगा, जब हमारी सॉइल लूज स्टेट में होगी, तो लूज स्टेट में मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम आपकी वाइड रेशियो होगी। अगर आपकी बात करें ई मिनिमम क्या होगा, जब आपकी लोजेस्ट स्टेट नहीं, अगर हम कहें कि डेंसेस्ट स्टेट, जब आपकी डेंस स्टेट होगी, और उस केस में जो मिनिमम वाइड आपका रेशियो होगा या मिनिमम पॉसिबल वाइड रेशियो होगा वो आपका होता है ई मिनिमम। ई मैक्सिमम आप जानते ही हो, ई नेचुरल क्या होता है कि नेचुरल वाइड रेशियो, वहीं सॉइल इज फील्ड कंडीशन, जब आपकी सॉइल फील्ड कंडीशन में होगी तो उस केस में आपका नेचुरल वाइड रेशियो कितना होगा, ये आपको बताता है ई नेचुरल के बारे में। अच्छा, इनके डेंसिटी इंडेक्स और के ऊपर क्लासिफाई किया गया सॉइलों को। जैसे अगर बात करें कि अगर आपका डेंसिटी इंडेक्स 0 से 15 है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेरी लो सॉइल कहेंगे। अगर 15 से 30 है तो क्या कहेंगे उसको, हम लोग लो सॉइल कहेंगे। 30 से अगर 65 है क्या उसे कहेंगे, मीडियम डेंस सॉइल कहेंगे उसे। अगर 65 से 85 है, 65 से 85 अगर आपकी है तो क्या कहेंगे, डेंस सॉइल कहेंगे उसे। अब 85 से अगर 100 के बीच में उसे क्या कहेंगे, वेरी डेंस सॉइल कहेंगे। ठीक है, तो 0 से 15 आपकी वेरी लूज सॉइल, 15 से 30 आपकी लूज सॉइल, 35 से आपका 65 जो होगा मीडियम सॉइल, और 65 से आपका जो होगा डेंस सॉइल होगा, वेरी डेंस, 85 से 100 आपका रहने वाला है। ठीक है, और ये जो आपका होता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को बताता है, और एज कम्पेयर टू किसके कोहेसन लेवल के बारे में ये बताता है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों को किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक विकल्प का उत्तर दे करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, सारी चीज़ों को हम लोग रिवाइज करेंगे जो वहाँ हमसे हो पाएगा, क्योंकि आप लोग रिवाइज में ही कोताही करते हो, रिवाइज ना होने की वजह से आपका नंबर गलत होता है एग्जाम हाल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन बिटवीन ड्राई डेंसिटी गामा डी परसेंटेज ऑफ एयर वाइड वाटर कंटेंट एंड आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी जी ऑफ एनी सॉइल के लिए। तो क्या होता है गामा डी का जो आपका रेशियो होता है, आपका होता है गामा डी इज इक्वल टू जी ओमेगा डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू ए अपन प्लस के डबल प्लस डब्ल्यू इंटू जी। ठीक है भाई, ये होता कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं,
हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का नाम आपने सुना ही होगा कई जगह पे, हाइड्रोमीटर हमारा जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड के बारे में बात जानकारी देता है। हाइड्रोमीटर आपका करेक्शन भी होता है, मेरिस्कस करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा कि मेरिस्कस करेक्शन क्या होता है या टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है या फिर आपका डिस्पैचिंग एजेंट करेक्शन क्या होता है, तो ये बात को ध्यान रखना। हाइड्रोमीटर ये यूज टू मेजर, तो हाइड्रोमीटर किसको यूज करता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापता है किसके, लिक्विड के, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को नापता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब हम लोग जो सॉइल का जो होता है उसी को हम लोग याद करने कहते हैं, सॉइल को हम लोग जो है सस्पेंशन बना लेते हैं, सॉइल सस्पेंशन में हम लोग एक पीपीटी मेथड भी होता है उसको भी यूज करते हैं और आपका हाइड्रोमीटर मेथड तो भी यूज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा जाता है कि इसका जो करेक्शन होता है, एक होता है आपका मेनिस्कस करेक्शन, एक होता है टेम्परेचर करेक्शन, एक होता है आपका मेनिस्कस के बाद मेनिस्कस करेक्शन होता है, टेम्परेचर करेक्शन होता है, तो इसके बाद तीन करेक्शन होते हैं जो कि यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, मेनिस्कस करेक्शन होता है और टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर भी होता है आपका, और एक होता है डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन, हाँ डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन, जो हम लोग डिस्पर्जिंग मटेरियल डालते हैं उसकी वजह से जो करेक्शन लगाना पड़ता है वो आपका होता है। तीन चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये बताया प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज जीरो, द सॉइल इज, मतलब हम लोग आई पी की बात कर रहे हैं, आई पी आपका होता है लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट, मतलब कि आई पी का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग कौन सी सॉइल रिपोर्ट करेंगे, क्ले, क्ले तो नहीं होगी, क्ले सिल्ट, हाँ सिल्ट, हाँ उसे हम लोग कहेंगे सैंड। अगर आई पी का मान जीरो है तो हम लोग नॉन प्लास्टिक सॉइल कहेंगे या हम लोग कह देंगे कि आपकी सैंड है। अगर 10 से 15 के बीच में है तो सिल्ट कह देंगे, और 15 से अगर 100 के बीच में क्या कह देंगे, क्ले कह देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल क्या होगा। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल अगर हम बात करें तो क्या होता है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल जो कि होता है आपका वेट ऑफ वाटर अपान के वेट ऑफ सॉलिड आपका होता है, ठीक है, इनटू 100% आपको 100 ये होता है, ठीक है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट आपका जो सॉइल मास है उसके असर में डिफाइन किया जाता है कि वेट ऑफ वाटर जो आपका है सॉइल मास में, तब वेट ऑफ सॉलिड्स आपका जो है वो आपका दिखाता है, वाटर कंटेंट आपके बारे में बताता है, ठीक है। तो जो इसकी जो वैल्यू होती है वो वाटर कंटेंट की मिनिमम वैल्यू आपकी जीरो होती है और मैक्सिमम इसकी अपर लिमिट कोई डिफाइन नहीं की गई, इसलिए कहा जाता है वाटर कंटेंट आपकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होती है, जीरो होती है, मतलब कि वाटर कंटेंट की आपकी जो वैल्यू होगी क्या लेस देन 0% होगी, हाँ बी ग्रेटर देन 100% होगी, ये बात तो सही है पर और आगे पढ़ लेते हैं, बार बी ग्रेटर देन 100% होगी, ये बात बिल्कुल गलत है, ये दोनों गलत हो जाती है। टेक ओनली वैल्यू फ्रॉम 0 to 100, हाँ टेक एनी वैल्यू ये भी नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 100 के बीच में नहीं होती है, इसकी वैल्यू 0 तो होती है, 0 बराबर ही होती है पर 0 से अधिक ही होती है, मतलब कि हमेशा अधिक आती है, मतलब बी ग्रेटर देन 100% होगी, मतलब कि 100% से भी अधिक होती है। अच्छा ये एक बार मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ये कैसे हम लोग चेक करते हैं, आपके आपका है कि जो आपका वाटर कंटेंट है वो तो आपका होता है वेट ऑफ वाटर अपान के वेट ऑफ सॉलिड, तो क्या किसी भी सॉइल के लिए वेट ऑफ वाटर आपका 0 हो सकता है, कोई ऐसी सॉइल आप लेकर आओ उस सॉइल में क्या वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप कहोगे कि वेट ऑफ वाटर अगर 0 हो गया सॉइल में कैसे हो गई, ड्राई सॉइल हो गई, और उस केस में अगर वेट ऑफ वाटर 0 हो गया तो वेट ऑफ सॉइल की कितना भी हो तो वो भी वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो आपका 0 वैल्यू हो जाएगा। क्या किसी केस में वेट ऑफ वाटर आपका अधिक हो सकता है वेट ऑफ सॉइल से, बिल्कुल हो सकता है, किसी केस में आपका बराबर भी हो सकता है, तो कहने का मतलब क्या है कि वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 तो हो सकती है, 0 बराबर भी हो सकती है, 0 से अधिक हर वैल्यू को वो प्राप्त कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे होगा जो वो हो जाएगा बी, मतलब बी क्या है ग्रेटर देन 100% होगा। अगला क्वेश्चन है इफ द वैल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू द वैल्यूम ऑफ सॉलिड, अगर सॉइल मैकेनिक्स में अगर आप उसके टर्मिनोलॉजी पर अगर गौर करोगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, कह रहा है वैल्यूम ऑफ वाइड मतलब क्या होगा, वैल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, इन सॉइल मास, अरे आपका सॉइल मास है, इस सॉइल मास में वैल्यू ऑफ वाइड जो आपका है वैल्यू ऑफ सॉलिड के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वाइड रेशियो, आपको निकालना क्या है पोरोसिटी एंड आपको वाइड रेशियो निकालना है, वाइड रेशियो आपको निकालना है रिस्पेक्टिवली, कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि जो आपको वाइड रेशियो ई होता है वो होता है वैल्यू ऑफ वाइड अपन वैल्यू ऑफ सॉलिड, तो वाइड रेशियो में कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है भाई, तो वाइड रेशियो कितना 1 आ गया, और ई और एन में एक रिलेशन होता है,
इज इक्वल टू एन अपॉन वन सी एन होता है, ठीक है, कि एन इज इक्वल टू होता है ई अपॉन वन सी ई होता है। तो एक वन प्लस एक मतलब एक बटा तो 0.5, राइट रेशियो एन आपका 0.5, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर, ठीक है। बाकी आज के लिए इतने क्वेश्चन, बाकी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको होमवर्क में करके बताइएगा। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में है, इसका आंसर क्या होगा, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, उसको करके बताइएगा। आज क्लास में इतना ही, क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आपको DDGE के सारे प्रीवियस क्वेश्चन के मतलब जो अभी हाल में 9 सेट हुए हैं उनके अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप बता देना, यूट्यूब पर सारी वीडियो हम डाल देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।